और जो परशुराम जी है परशुराम सामने पहुंच गए, जवाब दिया जनक राज। आइए संक्षेप में लेके चलते हैं। पहले जब कभी हम आते थे तो तुम्हारे दरबार में इतनी लंबी भीड़ नजर नहीं आती थी, आज क्या बात है इतने सारे लोग बैठे हैं। और जब धनुष को टूटा हुआ देखा तो आग बबूला हो गए, बोले जाना ये भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा है, और जिस किसी ने धनुष तोड़ा है हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। बड़े बड़े योद्धाओं ने देखा तो डर की वजह से उठते हैं, परशुराम जी के पैर छूते हैं, अपना परिचय बताते हैं, अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। और जब क्रोध किया घबरा गए, अब क्या होगा, अब परशुराम जी किसी को जीवित नहीं छोड़ते। श्री राम ने देखा सब दुखी हो गए, प्रभु राम सामने पहुंच गए, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, फिर एक बात कही, महाराज आप तो आते ही आते क्रोध करने लगे। जवाब दिया महाराज कि धनुष तोड़ने वाला कोई गैर नहीं होगा। नाथ संबोधन भंजन हारा ओए को एक दास धनुष तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही तो हुआ। परशुराम कहते हैं भरे दरबार में कोई नहीं बोला,